लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले तक बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर थे। कभी नोटबंदी तो कभी जीएसटी को लेकर वो सरकार पर वार करते थे, मगर चुनाव में हार का सामना करने के बाद से ही उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। सिन्हा हाल के दिनों में भी कई बार पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं, वहीं एक बार फिर उन्होंने पीएम से एक अपील की है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को लेकर इस वक्त बिहार में हाहाकार मचा है। इस बीमारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है, जिसके चलते हर दिन कोई न कोई मासूम काल के काल में समा रहा है। बिहार की बदहाली को लेकर ही अब बिहारी बाबू और कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी से सूबे के विकास पर ध्यान देने की अपील की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को ट्वीट कर लिखा, सर मैं विनम्रता पूर्वक अपील और अनुरोध करता हूं कि आप एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में तेजी से एक वैश्विक नेता बनने के इच्छुक हैं। बिहार में सुधार के लिए एक रोड मैप बनाने और इसे अमल में लाने के लिए आप तुरंत हस्तक्षेप करें। आपके सक्षम नेतृत्व, मार्गदर्शन और समर्थन की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। वहीं एक अन्य ट्वीट में सिन्हा ने कहा कि बिहार अब तक की सबसे बुरी पीड़ा से गुजर रहा है। एक्यूट एंटीफ्लाइसिस सिंड्रोम के कारण कई बच्चे दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये घटना राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ण असफलता दर्शाती है, इसलिए आप जल्द से जल्द कोई हस्तक्षेप करें। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी से अपील तो कर दी है, लेकिन प्रधानमंत्री उनकी अपील पर कोई ठोस कदम उठाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको बता दें कि पीएम सिन्हा की बात सुने या ना सुने, मगर चुनावी नतीजों के बाद से ही पीएम मोदी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा के तेवर काफी नरम पड़ गए हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने सरकार की ओर से 5 करोड़ अल्पसंख्यकों के लिए वजीफे की घोषणा को शानदार शुरुआत करार दिया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।